अपने मोबाइल में नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और जुड़िए हर खबर से। NVTV बात हम सबकी। पिपरिया की 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या करने वाले को सुनाई गई फांसी की सजा। पिपरिया में 30 अक्टूबर 2018 को घर के सामने खेल रही 5 साल की मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपहरण कर दुष्कर्म व फिर हत्या करने वाले 21 साल के दीपक उर्फ नन्नू किरार को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए होशंगाबाद की अदालत ने 8 माह के भीतर ही अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त समाज के प्रति चुनौती है, मृत्यु दंड प्रदान न करने से समाज में गलत संदेश प्रेषित होगा। अदालत के इस फैसले के बाद न्याय प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या था पूरा मामला। अभियुक्त जो है जो पीड़िता थी वो 5 वर्ष की थी और उसके साथ इतना घटनात्मक रूप से बलात्कार प्लस उसकी मृत्यु कर देना और उसकी बॉडी को जो है बेसम की झाड़ियों में छुपा देना, तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि कितना गंभीर प्रकरण रहा हो, कितनी गंभीर घटना रही है। माननीय न्यायालय द्वारा जो है घटना जो है 30/10/2018 की दोपहर 3-4 के आसपास की है। अभियुक्त और अपने भाई के साथ वह जो है घर के बाहर आंगन खेल रही थी। घटना घर के बाहर जो है सानिया रोड दुपरिया में खेल रही थी, तभी जो है आरोपी आया साइकिल पर आया और उसने जो है चॉकलेट का झांसा दिया, उसमें चॉकलेट का लालच दिया, खिलौने के चित्र दिखाए और बच्ची को जो वो है ज़बरदस्ती अपनी साइकिल पर बिठा के लेकर जो है साथ में चला गया। और वो जो पिपरिया में जो है एक झूला पुल करके एक सुनसान जगह है रेलवे पटरी के पास में, वहाँ पर ले जाकर उसके साथ उसने जो है बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जो उसको गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के साथ ही उसने उस बॉडी को जो है छुपा दिया और वापस जो अपनी जो किराए की साइकिल थी उसको आकर जाकर साइकिल जमा कर दी। माननीय न्यायालय में जो है प्रकरण में अभियोजन की तरफ से जो है हमने ट्रायल प्रोग्राम के दौरान जो है 32 साक्षीगणों को रखा था, जिसमें से 29 का ही परीक्षण कराया हमने और पुलिस ने भी इसमें जो है बहुत गंभीरता से लिया था इसे विपरीय पुलिस ने और उसको तत्परता से इन्वेस्टिगेशन किया। DNA परीक्षण कराया गया, DNA पॉजिटिव पाया गया था और परीक्षित साक्षीगणों के उपरांत जो है उसमें अभियोजन की तरफ से जो तर्क हुए उसमें जो अभियोजन ने जो तत्परता से काम किया उसके आधार पर जो है उस आरोपी को जो है दोषी पाते माननीय न्यायालय द्वारा जो है मृत्युदंड की सजा अलग अलग धाराओं में अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से उसको जैसे 363 में 3 वर्ष, 302 में मृत्युदंड, 376 में आजीवन कारावास अपर्याप्त मृत्यु तक और 201 में साल तक इस तरह से उसको दंडित किया गया। ठीक है। प्रारंभ से ही नागरिकों ने मुलजिम के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। अदालत के फैसले के बाद पिपरिया के सभी नागरिकों ने राहत की सांस ली।